एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाओगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं वह आदमी गांव का बोला था ना, वो 2 फुट का आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। अब राजा 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म भी हो गई और राजा जीत गया। लेकिन अब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में मेरी कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीत गए, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था और उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और लड़ाई शुरू हो गई और फिर राजा जीत गया। लेकिन इस बार राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में मेरी कैसी महानता। 2 दिन बीत गए, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह 6 फुट का हो गया था और उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। फिर लड़ाई शुरू हुई और फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इस तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया और उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया, लेकिन राजा ने फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और लड़ाई शुरू हो गई। इस बार राजा बहुत जख्मी हो गया और राजा का एक हाथ भी टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा देता है और इस बार उसको जिंदा नहीं छोड़ता और उसे जान से मार देता है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कितनी से छोटी प्रॉब्लम आए उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएगी और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको एक्सपीरियंस होता है और बाद में आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।